हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ने वाले हैं स्पेस साइंस को आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं इससे पहले दो सेशन आपके हुए हैं जिसमें फर्स्ट में हम लोगों ने सोलर uh, सिस्टम जो है यानी कि सोर मंडल जो है उसको कंप्लीट कर लिया था राइट right, उसके बाद आपका एक दस मिनट का सेशन आया था कल ही जिसमें हम लोगों ने जो एम हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्पेस साइंस को ठीक है स्पेस साइंस में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर करने का ट्राई करेंगे और जैसे कि आप सभी को पता है कि एम पी का जो वर्ग तीन का एग्जाम हुआ था उसमें काफ़ी डिटेल में और डीप में जो है स्पेस साइंस को पूछा गया तो हम लोग यहाँ पर कुछ वन लाइनर फॉर्म में कम्प्लीट करते हैं चीज़ें और कुछ जो है थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे ठीक है साथ ही कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए वो भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ताकि आपका जो यहाँ पर स्पेस साइंस है वो कंप्लीट हो जाए सो so, फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिल जाए ओके okay, और व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाना है 8770803840 से ताकि कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट होती है वो आपको मिलती रहे जैसे कि आप सभी को पता बताए एचस्ट स्टेट मेन्स का एडमिट का मेन्स का जो सिलेबस है वो यहाँ पर आ चुका है तो जल्दी आपका प्री एग्ज़ाम होकर भी आपका भी मेन्स का सिलेबस आ जाएगा तो तैयारी ऐसे करें कि प्री में भी आपको हेल्प मिल जाए और साथ ही मेन्स का भी आपका काम हो जाए तो मेन्स में आपको सिर्फ रिविज़न करना रहेगा चलिए फर्स्ट जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो वन लाइनर से शुरुआत करें ताकि मोस्टली पॉइंट जो है आपके वन लाइनर में कवर हो जाए अंतरिक्ष विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस है इसकी स्थापना 1972 में करी गई थी ठीक है इसके अलावा साइंस कोर्स में आपको तीन पीडीएफ मिली है ठीक है जिसमें आपको पूरा बेसिक से बताया हुआ तो वो अभी तक नहीं पढ़ी है तो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा स्टार्टिंग कहाँ से हुई है स्पेस साइंस के कैसे ये बना है भारत में कैसे इसकी शुरुआत हुई अंग्रेजों के समय क्या क्या चीज़ें थी फिर आगे कैसे डेवलप हुआ ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैंशन करी गई है वहाँ से आप पूरा डिटेल में देख लीजिएगा अभी हम लोग यहाँ पर इसको वन लाइनर में कवर कर लेते हैं 1972 में इसकी स्टार्ट हुई थी पी का पूर्ण रूप क्या है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है इसका फुल फॉर्म है ठीक है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पी एस एल वी थ्री को कब लॉन्च किया गया था ठीक है एमपीटेड वर्ग तीन का है उसको अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे ठीक है थुम्बा केरल में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है 1963 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी थुम्बा को ये क्यों चुना गया क्योंकि ये भूमध्य रेखा के काफी समीप है इसलिए ठीक है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना नाइनटीन में हुई है हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका बेंगलोर के अंदर है विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह का नाम क्या है आर्यभट्ट है उन्नीस अप्रैल उन्नीस को इसको लॉन्च किया गया था एम टेट वर्ग तीन में पूछा गया था कि आर्यभट्ट जो है जो ये सैटेलाइट है इसका पेलोड कितना है ठीक है थ्री वाला पूछा गया था क्वेश्चन वो भी आज कंप्लीट करेंगे भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोटक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब हुआ था पोखरण राजस्थान में हुआ था एटीन मे नाइनटीन सेवेंटी को हुआ था ठीक है ये डेट तो आई थिंक आपको याद होगी यदि अपनी ये वाली देख रखी है है तो ठीक स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि है रोहिणी रोहिणी से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने अनसक्सेसफुल असफल रहे हैं ये क्वेश्चन था भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश किया गया था 1984 में। ठीक है अपोलो इलेवन विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है त्रिवेंद्रम के अंदर स्थित है भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर ये स्थित है इनका थोड़ा सा डिटेल अपन देखते जाएंगे साथ के साथ है ना भारत के प्रथम उपग्रह जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह है मानव निर्मित उपग्रह है उसका नाम है रोहिणी आर जो कि एटीनथ ऑफ जुलाई 1980 को आया था थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र जो है एस स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना 1965 में की गई थी बार्क की स्थापना ट्रॉम्बे मुंबई में 1955 में भाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर जिसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कलपक्कम जो मद्रास में है 1971 में करी गई थी अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम देश और कब गया था यूरी गागरीन इनका नाम था सोवियत संघ से ये थे और नाइनटीन में ये गए थे अंतरिक्ष में ठीक है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो है वेलेंटिवा तेरिश कोवा है ठीक है ये सोवियत संघ से 1963 में गई थी दो साल के बाद ठीक है 61 के जब पहला मेन गया था चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति जो है नील आमस्ट्रॉन्ग है अमेरिका 21 जुलाई 1969 को ये गए थे प्रथम भारतीय जो है राकेश शर्मा है ठीक है 1984 के ये अंदर गए थे और महिला में आपको पता ही है कल्पना चावला है नाइनटीन के अंदर और दूसरी भारतीय महिला सुनीता विलियमसन है दो के अंदर अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का श्रेय सुनीता विलियमसन को ही जाता है वन डेज ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है स्पूतनिक है सोवियत संघ रशिया के द्वारा इसको भेजा गया था 1957 के अंदर ठीक है प्रथम संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम ईको था जो कि अमेरिका ने 1968 के अंदर भेजा था देश का पहला जो रिएक्टर था उसका नाम अप्सरा है नाइनटीन का प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह का नाम इनसेट टू ए है जो कि जुलाई नाइनटीन में भेजा गया है पूरा भारत से निर्मित इसके सारे उपकरण वगैरह भी भारत में बनाए हुए स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है पृथ्वी जो कि 1988 के अंदर आई थी भारतीय रमण अनुसंधान रिसर्च जो है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है तारापुर परमाणु केंद्र मुंबई के अंदर स्थित है ठीक है मुंबई महाराष्ट्र में रावत भाटा जो है रावतभाटा राजस्थान में स्थित है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 के अंदर की गई थी देश में सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव ने काम करना आरंभ कर दिया था देश का सबसे परमाणु केंद्र बड़ा जो है 8 अगस्त उन्नीस को अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव लाइका जो एक प्रकार का कुतिया थी

अंतरिक्षयान कौन सा है? जो सर्वप्रथम मंगल पर गया था आ, पाथ फाइंडर है 6 जुलाई उन्नीस को यह गया था इनसेट थ्री ई का सफल प्रक्षेपण ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका मतलब आप ये देखेंगे एम्पिटेड वर्ग तीन में इतना डीप में पूछा हुआ है कि कोई भी मिसाइल अगर वो असफल हुई है तो किस वजह से हुई है सफल हुई है तो कब हुई है किस देश में इसमें सहयोग मिला है कौन सी दो कंट्रीज ने मिलकर बनाया तो जो प्रीवियस पेपर के हम लोगों ने एनालिसिस किया तो उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि लास्ट के दो ईयर का पूछा है या फिर स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में अभी न्यूज़ में चल रहा है इसलिए पूछा है कहीं से भी कुछ भी उठाकर उन्होंने पूछा हुआ है तो हम लोग क्या कर रहे हैं जो मेरी मैन चीज़ें हैं साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं उन सबके क्वेश्चन कम्प्लीट कर लेंगे ताकि आपका ये तो हो जाए कि जो भी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो एटलीस्ट हम लोगों ने यूनिवर्स से यहाँ पर प्रिपेयर कर लिए ठीक है चलिए कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला का नाम एवं किस देश के द्वारा निर्मित किया गया स्काईलेब अमेरिका ने 1973 में इसको बना लिया है प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था जो जस्ट एक स्पेस टूरिस्ट डेनिस टीटो था 2001 के अंदर ये गए थे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 12 सितंबर 1970 को इसको लॉन्च किया गया चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री अपोलो इलेवन है ठीक है है वही जो जो जिससे फर्स्ट मनुष्य चांद पर कदम रखा था सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम का प्रक्षेपण करने वाला देश कौन है रशिया ने सबसे ज्यादा किया है मतलब रशिया ने सबसे पहले किया है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन एक फरवरी दो को हुआ है दूसरा परमाणु परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में तेरह मई उन्नीस को यहाँ पर किया गया ये कुछ वन लाइनर फैक्ट हो गए है ना इससे मोस्टली चीज़ें तो कवर नहीं होगी लेकिन आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी डेट टाइम वगैरह बाकी जो है बेसिक हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद भी हम लोग कुछ वापस से वन लाइनर फैक्ट स्टार्ट करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है ये अहमदाबाद के अंदर स्थित है इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर के अंदर स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश हरिकोटा के अंदर स्थित है इसको शार भी बोला जाता है ठीक है इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाए के एस एच आर कहाँ पर स्थित है तो पहले तो फुल फॉर्म सतीश धवन स्पेस सेंटर है हरी कोटा आंध्र प्रदेश के अंदर ये स्थित है विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर स्थित है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट आपका इंदौर के अंदर स्थित है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट जो है देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित है इंसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो थुम्बा केरल के अंदर ये स्थित है ठीक है चलिए अब अपन यहाँ पर जो है वी विक्रम सारा स्पेस सेंटर के बारे में देख लेते हैं थुम्बा केरल में स्थित है इसके दो और सेंटर है एक तो वलियामाला में है और दूसरा वोटियू कावू है ठीक है ये ही इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है केंद्र देशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल विकास कार्य को समर्पित है और इसी की तरह इसमें जो है स्पेस में फिजिक्स लेबोरेटरी भी है ठीक है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी भी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंदर स्थित है फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है दूसरा देख लीजिए इसरो सैटेलाइट सेंटर आई है यह केंद्र बेंगलोर के अंदर स्थित है वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी व अन्य उद्देश्यों के लिए तैयार होने वाला सैटेलाइट से संबंधित डिजाइन परीक्षण व अन्य कार्यों को यहीं पर देखा जाता है आर्यभट्ट हो गया फर्स्ट सैटेलाइट है ना भास्कर एप्पल आई आर एस वन ए सैटेलाइट इसी केंद्र में तैयार किए गए थे आई आर एस और इनसेट की जितनी भी वन टू थी जितनी भी सीरीज है वो सारी सैटेलाइट यहीं से बनी हुई है ठीक है शार के बारे में देख लेते हैं ठीक है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है यह केंद्र आंध्र प्रदेश के हरिकोटा आइलैंड पर स्थित है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एस और रॉकेट्स को अंतरिक्ष में छोड़े जाने का यही मेन सेंटर है देश का सबसे बड़ा सॉलिड प्रोपोलेंट बूस्टर प्लेनेट प्लांट जो है वो भी यहीं पर स्थित है और पूरा तरीके से ये कंप्यूटराइज है अगला है लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ठीक है इस केंद्र के तहत अंतरिक्ष यानों को छोड़े जाने से संबंधित प्रणाली विकसित की जाती है बेंगलोर में इसका एक केंद्र है दूसरा तिरुवनंतपुरम केरल में है जहाँ लॉन्चिंग व्हीकल से संबंधित कार्य किए जाते हैं मुख्य परीक्षण व अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है जितनी भी रिसर्च वगैरह होती है कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह हमको रेडी करनी है टीवी दूरसंचार से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो यहीं से एग्जीक्यूट करी जाती है इसका नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन यूनिट की बात करें तो ये अहमदाबाद में स्थित है यह अंतरिक्ष व दूरसंचार से संबंधित विभिन्न सॉफ्टवेयर के अनुसंधान व विकास को समर्पित है दूरदर्शन के कर्मचारियों को प्रशिक्षण व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से संबंधित सारे जो अध्ययन है वो सारे के सारे यहीं से करवाए जाते हैं इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट है इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इनका डिटेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसरो टेलीमेट्री ट्रेनिंग एंड कमांड नेटवर्क है बेंगलोर के अंदर स्थित है इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट है ये तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है ये हैदराबाद के अंदर स्थित है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है ये स्थित है अहमदाबाद के अंदर ठीक है अब प्रथम भारतीय उपग्रह आप देख लीजिए आर्यभट्ट है फिर भास्कर वन भास्कर टू रोहिणी की पूरी सीरीज प्रायोगिक संचार उपग्रह में एप्पल है विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला है ठीक है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह अर्थात इंसेट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक इसको माना जाता है भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक संस्थान प्रबंध प्रणाली की सहायता से भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आर का आई जो है इसका विकास किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों मृदा जल भूजल सागर वन आदि का सर्वेक्षण करना और इसकी सतत निगरानी करना ये सारे काम कौन करता है आई आर एस यहाँ पर करता है ठीक है मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ओके चलिए अब कुछ मिसाइल के प्रकार देख लेते हैं ठीक है कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है सब चीज़ हमको पढ़नी है क्योंकि यूनिवर्स अगर सिलेबस में लिखा हुआ है मतलब वो ए टू जेड कुछ भी चीज़ उससे पूछ सकता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पूछ सकता है इंटरनेशनल हिस्ट्री भी पूछ सकता है तो हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे चलो तो सबसे पहले तो इंडिया की सैटेलाइट कंप्लीट कर लें फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमने आ, इंडिया को रखा है तो इंडिया का सारा कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है सबसे पहली मिसाइल है पृथ्वी थ्री ठीक है अब ये कौन सी कैटेगरी में आती है किस रेंज में आती है और इसका कार्य क्या है ठीक है ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं देखो मिसाइल दो प्रकार से होती है एक तो सतह से जो कार्य करती है जस्ट लाइक सतह से जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है जिसको बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है और दूसरी आपकी होती है क्रूज़ मिसाइल जिसको हम लोग समुद्र से और इस तरीके से आ, छोड़ते हैं मतलब इस तरीके से लॉन्च करते हैं ठीक है तो दो तरीके से होती है उसके बेसिस पर यहाँ पर कई सारे नेम हैं कुछ बहुत दूरी की होती है कुछ मध्यम दूरी की होती है कुछ शॉर्ट डिस्टेंस की होती है अच्छा आप चाहें तो एक बार हम लोग इसको डाइग्राम से भी यहाँ पर कम्प्लीट कर सकते हैं वन सेकेंड चलो डायग्राम से हम लोग लास्ट में देख लेंगे या मैं आपके साथ वो इमेज शेयर कर दूंगी जिसमें आपको सारी चीज़ें बता रखी है फुल फॉर्म बता रखें बाकी हम लोग यहाँ कंप्लीट कर ही रहे सबसे पहले पृथ्वी थ्री के बारे में देख लेते हैं ये एस आर बी है मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसको बोला जाता है मत, बहुत कम डिस्टेंस की है है ना शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अब शॉर्ट रेंज का मतलब बहुत कम डिस्टेंस ये कवर करेगी ठीक है और बैलिस्टिक मतलब सतह से ही इसको लॉन्च किया जाएगा ठीक है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो गया कितनी रेंज कवर करती है थ्री हंड्रेड से थ्री फिफ्टी किलोमीटर की ये रेंज कवर करती है और ये ऑपरेशनल मिसाइल है ठीक है पृथ्वी टू की बात कर ले तो ये भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी रेंज थोड़ी सी और कम है दो सौ पचास से तीन सौ पचास किलोमीटर के बीच में है एग्जोस्ट uh, मिसाइल की अगर मैं बात करूँ तो ये ए एस सी एम है है ना ए एस सी एम क्या होता है इसका फुल फॉर्म मैं अभी आपको बता दूंगी एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल होता है ठीक है एंटी शिप क्रूज मिसाइल इसका फुल फॉर्म है चालीस से वन एटी किलोमीटर तक की कि रेंज को कवर कर सकती है और ये भी एक प्रकार की ऑपरेशनल मिसाइल है एंटी शिप क्रूज मिसाइल ठीक है शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है बाकी मैं एक टेबल शेयर करूंगी जिसमें सारे लिखे हुए हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ही है ए सी एम एंटी शिप क्रूज मिसाइल है मतलब समुद्र से या बड़े नेवी शिप से जो है इसको लॉन्च किया जाएगा सागरिका की या शौर्य मिसाइल की बात करें तो ये भी क्या है यहाँ पर शॉर्ट लेंथ जो है बैलिस्टिक मिसाइल है शॉर्ट लेंथ बैलिस्टिक मिसाइल है सात किलोमीटर से तीन किलोमीटर तक की जो है कवर करेगी और ये डेवलपमेंट में है ठीक है पृथ्वी वन की बात कर ले तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वन किलोमीटर ऑपरेशनल मिसाइल है यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें प्रहार की बात कर लें तो ये भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वन फिफ्टी किलोमीटर इन डेवलपमेंट है निर्भय निर्भया मिसाइल की बात कर लें तो क्रूज़ मिसाइल है आठ सौ से थाउजेंड किलोमीटर तक की ये डिस्टेंस कवर सा कर सकती हो इन डेवलपमेंट चलिए धनुष की बात कर लेते हैं तो ये भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ढाई सौ से चार सौ किलोमीटर अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि ये रेंज नहीं याद करें तो चलेगा क्या बट नहीं आपको ये रेंज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि सब कुछ पूछा गया है एग्जाम के अंदर ब्रह्मोस की बात करें तो ये आपका क्रूज मिसाइल है ठीक है तीन से पाँच किलोमीटर तक की रेंज को ये कवर करता है अग्नि फाइव की बात करूँ तो ये है अपना आई सी क्या होता है इंटर कॉन्टीनेंटल ठीक है वापस से लिख देती हूँ इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ठीक है इंटर बैलिस्टिक मिसाइल 5000 हजार से आठ हजार किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहती है अग्नि फोर जो है आपका आई है ठीक है ये है आपका इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे शॉर्ट रेंज पढ़ रहे थे अब ये इंटरमीडिएट रेंज आ गई है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ठीक है ये 3500 से 4000 किलोमीटर तक कवर करती है अग्नि थ्री जो है अगेन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है तीन से पाँच किलोमीटर तक की ये डिस्टेंस को कवर करता है अग्नि टू जो है ये मीडियम रेंज है ठीक है एक शॉर्ट रेंज होता है ठीक है एक मीडियम होता है एक इंटरमीडिएट होता है और एक लार्ज वाला होता है ठीक है तो यहाँ पर जो है अग्नि टू जो है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है 2000 से 3500 तक ये किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर लेता है अग्नि वन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका है सात से बारह किलोमीटर तक और ये एक ऑपरेशनल मिसाइल है ठीक है क्लियर है यहाँ तक कि अग्नि वन टू थ्री फोर फाइव आपके हो गए ब्रह्मोस हो गए निर्भय हो गया धनुष हो गया है ना शौर्य हो गया पृथ्वी वन हो गया पृथ्वी टू हो गया पृथ्वी थ्री हो गया ठीक है क्लियर है ये जो मेन मेन मिसाइल्स है चलिए अब यहाँ पर कुछ आ, इंटरनेशनल जो एजेंसीज है उसके बारे में देख लेते हैं जैसे कि रशिया का पूछा गया था वर्ग तीन में रशिया की एजेंसी का नाम क्या है तो इसे जापान का चाइना का सबका पूछा जा सकता है स्टार्ट करते हैं अर्जेंटीना से टॉप टेन स्पेस एजेंसीज हम लोग देख रहे हैं है ना इसरो भी इसमें रहेगा आपका अर्जेंटीना की स्पेस एजेंसी जो है इसका नाम है जैसे अपने यहाँ पर इसरो है अमेरिका में नासा है ऐसी सब जगह की अपनी स्पेस एजेंसीज का नाम होता है तो इसका एक कमीशन Uh, यहाँ पर जो है कमीशन ना कि नेशनल डी एक्टिवेडिसपेसल ठीक है कौन है इन शॉर्ट आप इसको याद कर सकते हैं अर्जेंटीना की स्पेस एजेंसीज़ है इसको नेशनल स्पेस एक्टिविटीज़ कमीशन बोला जा सकता है हम लोग यदि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो नेशनल स्पेस एक्टिविटीज़ कमीशन कहा जा सकता है अर्जेंटीना स्पेस एजेंसी की शुरुआत 28 में उन्नीस सौ इक्यानवे को हुई थी ठीक है यह अर्जेंटीना की सरकार के अधीन कार्यरत करती मतलब गवर्नमेंटल एजेंसीज़ है जस्ट लाइक इसरो स्पेस एजेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी काफ़ी ईजी है एडीलैंड में इसका हेड क्वार्टर है जैसे हमारा बेंगलुरु में है ठीक है एक जुलाई 2018 को मतलब ताज़ी ताज़ी ही स्पेस एजेंसीज़ हैं ठीक है हमारी काफ़ी पुरानी है बहरीन की बात करें तो नेशनल स्पेस साइंस एजेंसी है ठीक है इसका नाम जो है बहरीन की स्पेस एजेंसी का नाम नेशनल स्पेस साइंस एजेंसी है इन शॉर्ट देखें तो एन बहरीन की सर्वोच्च रक्षा परिषद की देखरेख में कार्य करती 2014 में इसकी स्थापना हुई है किंगडम ऑफ बहरीन में जो है इसका हेडक्वार्टर है ब्राजील स्पेस एजेंसी जो है इसको इन शॉर्ट ए e. बोला जाता है एजेंसी स्पेशल ब्राज़ीलिया ठीक है दस फरवरी नाइनटीन नाइन्टी फोर को इसकी शुरुआत हुई थी इसका जो है एक स्पेस पोर्ट अलका तारा में है और डू इन्फर्नो में एक रॉकेट लॉन्च साइट है ये लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे मेन स्पेस एजेंसी है ठीक है इसका जो हेड क्वार्टर है ब्राज़ील में स्थित है कनाडा स्पेस एजेंसी की बात करें तो इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है नाम इसका अच्छा फेमस है ए एस सी कनाडा की स्पेस एजेंसी का नाम कैनेडियन स्पेस एजेंसी है एजेंसीज ठीक है एजेंसीज स्पेशल कैनेडियन इसको कोस्ट लैंग्वेज में बोला जाता है एक मार्च 1989 को इसकी शुरुआत हुई थी क्यूबेक में इसका जो है हेड क्वार्टर है, है। चाइना की स्पेस एजेंसी याद करना ही पड़ेगी ये तो सी एन एस ए है ना चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है चीन के जो गुओ जिया जो है यहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है ठीक है इसको मतलब चीनी लैंग्वेज में ये कहा जाता है और इसका जो हेड क्वार्टर है बीजिंग में स्थित है ठीक है हैदियन बीजिंग में इसका हेड क्वार्टर स्थित है ठीक है ये नाम वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप नहीं याद करोगे तो चलेगा 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी ये भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन ही है ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंटल एजेंसीज ही है फ्रांस की स्पेस एजेंसीज की बात करें तो इसका जो है इसको जो है इस फ्रांस की स्पेस एजेंसी को नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ के नाम से जाना जाता है सी सेंट्रल नेशनल दी स्पेस एजेंसी है ठीक है 19 दिसंबर 1961 सौ की इसकी शुरुआत हुई थी और पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है जर्मनी की बात करें तो जर्मन एरोस्पेस सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है जर्मन की जो शुरुआत है जर्मन एरोस्पेस सेंटर की जो शुरुआत है 1969 में हुई थी और जर्मनी में इसका हेड क्वार्टर स्थित है इंडियन की स्पेस एजेंसी है इसरो है ठीक है इसकी शुरुआत जो है पंद्रह अगस्त 1969 को इसका शुरुआत किया गया था बेंगलोर में इसका कार्यरत है और प्रधानमंत्री के अधीन ये जो पूरा कार्यरत है ठीक है मतलब वो भी एक गवर्नमेंट ही है इंडोनेशिया जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनाटिक्स एंड स्पेस के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है इसका जो हेडकुआटर है जकार्ता में स्थित है ठीक है दो हज़ार इक्कीस में अभी बंद हो चुकी है और इसकी स्थापना सत्ताईस इस नवंबर नाइनटीन सिक्सटी थ्री को हुई थी इसराइल स्पेस एजेंसी इसराइल की स्पेस एजेंसी का नाम है नाइनटीन एटी थ्री में इसका शुरुआत हुई थी तेल अव्यूमस का हेडक्वार्टर है जापान की स्पेस एजेंसी ये भी इंपॉर्टेंट है जाक्सा इसका नाम है जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसीज है ठीक है अब ये 1950 के समय में ये शुरुआत हुई थी टोक्यो विश्वविद्यालय में जो है इसको एक बोल सकते हैं कि नेतृत्व के रूप में एक शोध संस्थान के रूप में इसको स्थापित किया गया था ठीक है क्लियर है क्योंकि मोस्टली जब हम लोग देखे शुरुआती समय में जापान और एक कंट्री और ऐसी थी जिसने जो है इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया था बाकी सारी कंट्रीज़ जो है अंतरिक्ष में ज़्यादा फोकस कर रही थी वहाँ पर ज़्यादा रिसर्च कर रही थी और ये सारे जो है न्यूक्लियर बॉम्ब और इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे वो जब आप पूरी स्पेस की हिस्ट्री पढ़ेंगे जो मैंने आपको थ्योरी प्रोवाइड करी उसमें सारी डिटेल दे रखी है न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड स्पेस एजेंसी ठीक है इसका शुरुआत 2016 में हुआ है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है जो है एस यू पी ए आर सी ओ है दैट मीन्स स्पेस एंड अपर एटमोसफियर रिसर्च कमीशन ठीक है जिसको एस यू पी आर सी ओ बोला जाता है 16 सितंबर 1961 की इसकी शुरुआत हुई थी और इस्लामाबाद में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है इसका पूरा नाम अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग है कोरिया की कारी है कोरिया स्पेस एरो स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है 1981 में इसकी स्थापना हुई है दैजे में इसका हेडक्वार्टर है रूस की स्पेस एजेंसी रॉस्को कॉस्मोस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पच्चीस फरवरी उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी सऊदी अरेबिया की सऊदी स्पेस कमीशन है दो में इसकी स्थापना हुई है साउथ अफ्रीका की सैंसा है ठीक है साउथ अफ्रीकन राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी इसका नाम है और प्रिटोरिया में इसका क्वार्टर है स्पेन का जो है आ, इसका जो क्वार्टर है सा आ, जो है एजेंसी का नाम आप देख सकते हैं ठीक है कुछ स्पेन की ही लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है कुछ एरो स्पेशल नेशनल एजेंसी ही होगी ये ठीक है साथ मई उन्नीस सौ बयालीस की इसकी स्थापना हुई थी ठीक है यूनाइटेड यूके का देखें तो यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसीज है 2010 में इसकी स्थापना हुई थी हेड क्वार्टर यूके में ही है यूएसए की नासा है वन ऑफ दी फेमस एजेंसीज अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ठीक है सबसे सफल व आधुनिक स्पेस एजेंसी है उनतीस जुलाई उन्नीस को इसकी शुरुआत की गई थी वॉशिंगटन डी जो है डिस्ट्रिक्ट कंट्रीज़ में इसका हेडक्वार्टर है अब कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विश्व में कितनी अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं सेवेंटी सेवन के लगभग अंतरिक्ष एजेंसियाँ जो है पूरे विश्व में अलग अलग कंट्रीज़ की है तो सेवेंटी सेवन कंट्रीज़ के पास है जिसमें से 16 के पास प्रक्षेपण क्षमता है मतलब सोलह जो है खुद अपने Uh, जो रॉकेट लॉन्च वगैरह जो करती है वो खुद अपने से करती है बाकी किसी और कंट्रीज से करवाती है जैसे इंडिया का अपना खुद का है वो दूसरी कंट्रीज़ का भी करती है मोस्टली जो रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है वो दूसरी कंट्री के सैटेलाइट को लॉन्च करके होता है ठीक है इस तरीके का भी थ्योरी है सबसे सफल अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है नासा है सबसे सफल इसको माना जाता है नाइनटीन एटी फिफ्टी एट में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक की सबसे सफल एजेंसीज में इसका नाम है पहली सैटेलाइट जो है विश्व की वो स्पूतनिक है नाइनटीन फिफ्टी सेवन में रशिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था नासा का हेडक्वार्टर आपने देखी लिया वॉशिंगटन डी में इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर के अंदर है अब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया ये वर्ग तीन का क्वेश्चन है ये पाँच तारीख को हुआ पेपर की शिफ्ट से हमने कुछ क्वेश्चन कु निकाले थे भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण जो है उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है थ्री सिक्सटी है ठीक है ये करेक्ट आंसर

एरोनोमी एंड सोलर फिजिक्स लॉन्चिंग डेट क्या थी अप्रैल नाइनटीन नाइनटीन को इसको लॉन्च किया गया था लॉन्च साइट कहाँ से लॉन्च किया गया था बाय रशिया जो इसको लॉन्च किया गया था रशिया से इसको लॉन्च किया गया था लॉन्चिंग व्हीकल क्या था जिसके ऊपर इसको लॉन्च किया गया था जिसके माध्यम से तो सीवन इंटर कॉस्मोस क्योंकि रशिया की आपको बताइए कॉस्मोस है है तो सीवन इंटर कॉस्मोस के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था ठीक है अब आई थिंक इतना तो नहीं पूछेंगे कि इसका इंक्लीनेशन कितना था कितने समय तक चला ये किसी एक मिसाइल का पूछा गया था सिक्स मंथ तक ये पूरा मिशन चला था स्पेस क्राफ्ट मेन फ्रेम एक्टिविटी टिल मार्च 1981 तक ये चला था ठीक है ओके अगला क्वेश्चन देखिए एस एल वी थ्री सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था तो 1980 में सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया था अब थोड़ी सी मिसाइल के बारे में जानकारी ले लेते हैं प्रक्षेपण यान तथा उग्र जो अभी आप पढ़ रहे थे ना आई सी बी एम हो गया आई आर बी एम हो गया इनके बारे में देख लेते हैं प्रक्षेपण यान रॉकेट में शक्तिशाली प्रणोदन प्रणाली होती है जो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है और उपग्रह जैसी भारी वस्तुओं को अंतरिक्ष में ले जाने में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत संतुलन यहाँ पर स्थापित करती है क्योंकि न्यूटन की गति का थर्ड लो यहाँ पर लगता है आ, है ना उपग्रह को तो वैज्ञानिक कार्य हेतु एक या एक से अधिक उपकरण के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाता है ठीक है लेकिन रॉकेट या प्रक्षेपण यान या प्रक्षेपण के बाद जो उपयोगी नहीं रहते हैं इसका केवल एक ही कार्य होता है रॉकेट जो आप लोग आसमान में देखते हैं ना उनका कार्य क्या होता है उपग्रह को उनके कक्षा में छोड़ना ठीक है रॉकेट में कई वियोज्य ऊर्जा प्रदान करने वाले भाग होते हैं जैसे आपने अगर मंगलयान मूवी देखी है मिशन मंगल वाली तो उसमें आपने देखा होगा रॉकेट की पूरी लॉन्चिंग बताई है और कैसे क्या हर एक हिस्सा उसका कैसे टूट टूट कर गिरता है आई थिंक वो आपको आइडिया होगा है ना इसका उपयोग रॉकेट के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन को ले जाने में किया जाता है ऐसे अलग अलग टुकड़ों में इसको बनाया जाता है जैसे ये ईंधन खत्म होगा ये टूट कर गिर जाएगा ऐसे करके जो है फाइनल हमारा जो कैमरा या जो मेन सिस्टम हमको पहुंचाना होता है किसी ग्रह या उपग्रह के ऊपर वो वहाँ पर पहुंचता है ठीक है एक बार जब ईंधन समाप्त हो जाता है तो रॉकेट्स अलग होकर गिर जाता है अक्सर वायु घर्षण के कारण ये वातावरण में ही जलकर क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं मूल रॉकेट का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपग्रह के इच्छित गंतव्य स्थान पर जहाँ हम लोग पहचान भेजना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचता है एक बार उपग्रह को अंत में बाहर निकाल लिया जाता है और यह रॉकेट का अंतिम भाग या तो अंतरिक्ष के मलबे का हिस्सा बन जाता है या फिर वायुमंडल में गिरने के बाद नष्ट हो जाता है मतलब मुझे सिर्फ एक कैमरा भेजना है उसके लिए मुझे इतने बड़े रॉकेट का या पूरी इतनी बड़ी आ, सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ता है ठीक है प्रक्षेपण यान के प्रकार पृथ्वी की निम्न कक्षाओं के लिए कई उपग्रहों को लेकर पृथ्वी की निम्न कक्षाओं में स्थापित करने की आवश्यकता होती है जिसकी रेंज पृथ्वी की सतह से वन किलोमीटर से दो किलोमीटर तक हो सकती है ठीक है अधिकांश पृथ्वी का अवलोकन करना जैसे बहुत सारे जंगली इलाके जहाँ पर मनुष्य नहीं जा सकते तो उनकी देख करना है ना मतलब पूरा एक मौसम वगैरह की सारी जानकारी आपको इन सैटेलाइट्स के थ्रू मिल सकती है जो हमसे कम डिस्टेंस पर होती है ठीक है यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है अंतरिक्ष में एक पूर्ण प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष यात्रियों की मेजबानी करता है अंतरिक्ष में स्थायी रूप से उपस्थित होता है जो पूरी देखरेख रेख यहाँ पर करता है उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षाओं में ले जाने के लिए कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और तदनुसार छोटे कम शक्तिशाली रॉकेट का उपयोग जो है इस उद्देश्य के लिए किया जाता है उच्च कक्षाएं ये तो निम्न कक्षाएं होगी है हो ना जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि 180 से 2000 किलोमीटर तक हम लोगों को कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है और मुझे बहुत ज़्यादा पृथ्वी से बाहर अगर लॉन्च करनी है जिसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं तो ऐसे और ऐसे भी उपग्रह होते जिन्हें अंतरिक्ष में ज्यादा गहराई तक जाने की जरूरत होती है जैसे भू स्थैतिक जियो स्टेशनरी वगैरह हो गए जियो सैटेलाइट हो गए जो पृथ्वी की सतह से लगभग छत्तीस किलोमीटर की दूरी पर होते हैं ग्रहों के अन्वेषण मिशन को भी अपने रॉकेट की आवश्यकता होती है ताकि वे अंतरिक्ष में बहुत गहराई तक उनको छोड़ा जा सके है ना अति शक्तिशाली रॉकेट्स का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे क्योंकि ज्यादा ईंधन की आवश्यकता होगी है ना सामान्य तौर पर उग्र के वजन को लेकर और किस किस दूरी तक ले जाने की आवश्यकता है के संबंध में एक दुविधा बनी रहती है एक ही रॉकेट भारी उपग्रह की तुलना में छोटे उपग्रहों में अंतरिक्ष में अधिक गहराई तक जो है लेकर जाया जा सकता है इसीलिए कुछ प्रक्षेपण यान यहाँ पर बनाए गए अपनी आवश्यकता के अनुसार आ, जैसे कि कम डिस्टेंस तक हम लोगों को लेकर जाना है तो हम लोग एस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू जा सकते हैं इसके द्वारा विकसित पहले रॉकेट को केवल एस या सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहा जाता था इसरो ने सबसे पहले एस को डिज़ाइन किया था इसके बाद जो है संवर्धित है ना संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान आया ए एस एल वी अब इसमें क्या हुआ एस एल वी में जस्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल था एस एल वी और एस एल वी दोनों ही छोटे उपग्रह जिनका वज़न 150 किलोग्राम तक होता था पृथ्वी की जो निचली कक्षा है वहाँ तक लेकर जा सकते थे आ, सबसे पहले पी एस एल वी के पहले 1990 के दशक तक इसका ही प्रयोग किया जाता था फिर आया पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पी एस एल वी पी का सफल प्रक्षेपण जो है अक्टोबर नाइनटीन के अंदर किया गया पी पहला लॉन्चिंग वाहन है जो तरल चरण यानी कि लिक्विड स्टेज से सुसज्जित है ठीक है पी एस एल वी द्वारा किया जाने वाला अब तक का सबसे विश्वसनीय रॉकेट है जिसकी चौपन में से बावन उड़ाने सफल रही है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चौपन में से कितनी उड़ाने सफल रही है बावन उड़ाने अभी तक ही सक्सेसफुली कर चुका है दो ही अनसक्सेसफुल हुई है पी का उपयोग भारत के दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण मिशन एक तो चंद्रयान वन जो कि दो में हुआ है और दो में

जी रॉकेट में अब तक अट्ठारह मिशन को अंजाम दिया है, जिसमें से चार विफल हुए बाकी सारे सक्सेसफुल हैं ठीक है थीके? या दस हज़ार किलोग्राम के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा तक लेकर जा सकता है मतलब भारी अगर हम लोगों को लेकर जाना है है ना तो आसानी से हम लोग जीएसएलवी के थ्रू भेज सकते हैं स्वदेश में विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो है जीएसएलवी एस एम के के तीसरे चरण का निर्माण करता है एम के थ्री में भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो को अपने उपग्रह को लॉन्च करने हेतु पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बना दिया मतलब कोई भी भारी सेटेलाइट होगी तो उसको रशिया की नासा की और इनकी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी इंडिया खुद से कर सकता है Uh, इसरो तो जो है पहले भारत अपने भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए यूरोपियन एरियन प्रक्षेपण यान पर निर्भर रहता था ठीक है पहले यूरोप के थ्रू हम लोग लॉन्च करते थे बनाते हम थो हम लोग थे लेकिन लॉन्चिंग किसके थ्रू होती थी, थी? अदर कंट्रीज़ के थ्रू होती थी फिर अब देखिए एस एस एल वी है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है ये छोटे और सूक्ष्म उपग्रह को ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एस एस एल वी पाँच सौ किलोग्राम तक के उपग्रह के लिए आसानी से इनको लेकर जा सकता है जल्दी एक स्वदेशी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस जीरो थ्री को इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में ले जाने की उम्मीद की जा रही है पुनः प्रयोज्य रॉकेट भविष्य में रॉकेट निर्मित प्राय पुनः प्रयोज होंगे मतलब आप उनका रियूज कर सकते हैं इस प्रकार एक मिशन के दौरान रॉकेट का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही यहाँ पर क्या होगा नष्ट होगा पूरा नष्ट नहीं होगा वहीं इसका अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करेगा और एक हवाई जहाज की तरह जो है सतह पर लैंड करेगा तथा तो भविष्य के मिशनों में इसका उपयोग हम लोग वापस से कर सकते हैं ठीक है क्योंकि आपने देखा अंतरिक्ष में भी काफ़ी ज़्यादा डैबरीज हो जाती है डैबरीज मतलब ये कचरा अंतरिक्ष का कचरा ठीक है सैटेलाइट वगैरह का कोई उपग्रह काफी दशकों से चल रहा है उसकी खत्म हो गई है वैल्यू तो वो सारी चीज़ें अंतरिक्ष में भी काफ़ी कचरा हम लोगों ने फैला ही रखा है तो इसको भी हम लोगों को कम करना पड़ेगा है ना पुनः प्रयोज्य रॉकेट निर्माण की लागत है ऊर्जा में कटौती करेंगे और अंतरिक्ष के मलबे स्पेस डैबरीज को भी कम करने में मददगार होंगे क्योंकि अभी तक का एट प्रेजेंट सबसे बड़ी समस्या है यद्यपि पूरी तरीके से पुनः प्रयोज रॉकेट अभी भी विकसित नहीं हुए आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन पहले से ही उपयोग हम लोग ले रहे हैं इसरो ने भी आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य रॉकेट विकसित किया जिसे है जिसे आर एल वी टी डी पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर कहा जाता है और दो हजार सोलह में यह अपना पहला सफल परीक्षण कर चुका है ठीक है चलो तो ये तो हो गई स्पेस साइंस की थोड़ी सी बात अब हम लोग एक अलग से क्लास रेडी कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं वर्ग तीन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे बट बिफोर दैट आपको ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई है साथ ही आपको जो थ्योरी पीडीएफ दी है एक बार जरूर से रीड कर लेना एटलीस्ट जो क्लास में पढ़ा है ये तो सारा आप एक बार पढ़ लेना रिवाइज कर लेना जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है शॉर्ट नोट्स आप बना लें ठीक है जो जो भी चीज़ें जैसे सन वगैरह देखें तो ये पढ़ने से तो याद नहीं होंगे आपको एक बार देखना ही पड़ेंगे बाकी हम ट्राई कर रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके आपको सारे क्वेश्चन एक जगह प्रोवाइड करवा दें ठीक है जैसे ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये पूछा गया एग्जाम में आपसे निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह जैसे एस एल वी थ्री नाइनटीन एटी में आया था एस एल वी थ्री जो है कि प्रथम सफल प्रक्षेपण के द्वारा प्रक्षेपित किया गया तो एस एल वी थ्री को किसके थ्रू किया गया तो रोहिणी सैटेलाइट के थ्रू किया गया तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं ठीक है तो हम लोग अब बस यही कर सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेंगे सारे इसके जो भी प्रीवियस एग्जाम में वर्ग तीन का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें पूछे हुए हैं और बाकी आप थ्योरी एक बार से कम्प्लीट कर लीजिए ठीक है तो सोलर सिस्टम की साइड से आप श्योर हो जाइए आपने बहुत डीप में और बहुत अच्छे से पढ़ लिया है अंतरिक्ष विज्ञान की एक क्लास और होगी और ये भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है फिर हम लोग नेक्स्ट अपना जो दो हज़ार क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे ओके okay? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक्स फॉर वॉचिंग